हमारा हमारा या नहीं, ये क्या वजह? आगे जानते थोड़े फर्स्ट टैग क्या यूज करते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? बैलेंस है भाई, बैलेंस है। फर्स्ट टैग यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये रहा भाई देखो, क्या नंबर डाल के क्या चेक कर रहा है? अरे अहमदाबाद बड़ौदा जा रहा है, आराम से चल रहा है। बोलो। हाँ 215 दिखा रहा है। तो रिचार्ज कर दो तू? हाँ तो कर दो, पर 15-20 लाख लगते, लाइन क्लियर कर दो खाली। हम तो भाई यहाँ पे अभी फास्ट ट्रैक का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि पैसे कटे नहीं है बैंक में से, तो कुछ गड़बड़ी है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे से अंजर भाई गए तो है पीछे थी, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टोल टैक्स पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे जो फास्ट टैग है हमारे पास, ये रहा आप देख रहे हो, वो वर्क नहीं हो रहा है। सबको मैं अभी दिखा दूँ कि यहाँ पे हम लोग टोल टैक्स के पास खड़े हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमारी कार है, जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा फास्ट टैग अभी वर्क नहीं हो रहा है। सो अभी क्या होता है वो देखते हैं। अंजर भाई भी गए हुए आगे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग जो पौर यहाँ पे जो टोल टैक्स है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे टोल टैक्स पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो हमारा फास्ट टैग है उसके अंदर अभी क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी जो चालान है वो कटा नहीं है। सो आप भी लगवा दो फास्ट टैग तो हमारी जैसी दिक्कत ना हो और आप आराम से जर्नी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी सी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार आ रही है, गाड़ी आ रही है और कंटेनर भी आ रहे हैं। सो मुझे तो डर लगता है, बाजू में से गाड़ी जा रही है गाइस, आप देख रहे हो कि देखो एक गाय, एक यहाँ पे ट्रक आ रहा है। हाँ जी भाई, भाई ये ट्रक वाले हम लोग को बोले साइड पे कर लो भाई, तो अब क्या करे होंडाई, क्या बात है। भाई तो ये दूसरा कंटेनर आ रहा है, क्या बात है, बहुत ही बड़ा सा कंटेनर था वो। भाई तो अंजर भाई क्या हुआ बताता हूँ क्या हुआ। अंजर भाई टोल टैक्स पे क्या हुआ वो बताइए। टोल टैक्स पे हुआ ये कि हमारा फास्ट टैग तो एक्टिवेट था ही, ओके, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि 250 रुपीज डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी के तौर पे, ओके। हमारे अंदर ऑलरेडी था सिक्योरिटी 250 रुपीज, लेकिन फिर भी उनका फास्ट टैग का मशीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। डिपॉजिट जो सिक्योरिटी होता है ना उसमें, अभी हम लोग अहमदाबाद बड़ौदा जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इनके टोल टैक्स में नहीं होता, टोल प्लाजा पे नहीं है। उसके लिए हमारा मशीन वहाँ पे मतलब चला नहीं, स्कैनिंग मशीन वहाँ पे नहीं चला। उसके लिए भाई साहब ने मेरे से 500 रुपया ले लिया। ले भाई डिपॉजिट के लिए 500 रुपया दो, आप आपके वॉलेट में ऐड करो मनी, जब तक ये टैग नहीं होगा स्कैन तब तक आप नहीं जा सकते। यानी ऑडियंस को बताओ कि ये अभी डिपॉजिट रखना जरूरी है। डिपॉजिट रखना जरूरी है, डिपॉजिट 250 रखो, उसके ऊपर वॉलेट में भी पैसा रखो, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है टोल टैक्स में
कि वो डिपॉजिट में से पैसा नहीं कटता है तो आपकी गाड़ी वहीं अटक जाएगी और आपका ऐसे टाइम वेस्ट होगा। यानी फास्ट ट्रैक भी लगवाना जरूरी है। हाँ, फास्ट ट्रैक तो लगवाना बहुत ही जरूरी है अगर आपको टाइम बचाना है तो, वरना लाइन में खड़े रहो और ज्यादा पैसे दो। ज्यादा पैसा लगता है वैसे आप कैश पे करोगे तो। गाइस फाइन भी है उसका फास्ट ट्रैक का? हाँ, विदाउट फास्ट ट्रैक होगा ना फाइन लगेगा। कितना फाइन है भी समझो कि ये हमारा वैसे वो 92 रुपीस का या 94 रुपीस का कुछ टोल टैक्स था, लेकिन अगर मैं कैश पे करता हूँ ना तो वो लोग मेरे से 200 रुपीस के लेंगे। अभी मैंने देखा है गाड़ी वाले से 200 रुपए लिए। हाँ। तो गाइस अभी भी जल्दी फटाफट से जाइए फास्ट टैग लगवा लीजिए। वेस्ट ऑफ टाइम हो गया भाई, लगवा लो फास्ट टैग। हाँ। बच जाओगे।